नमस्कार, मैं हूं अमृता सुभाष। आप न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और उनका एक नया शो आ रहा है, एनसी हैंगआउट। तो आप ज्यादा से ज्यादा वो शो देखिए, मैं भी देखने वाली हूँ। मुझे पता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एनसी हैंग आउट एंड टूडे वी आर हैंगिंग आउट विद अमृता सुभाष। अमृता, बहुत शुक्रिया मैं न्यूज क्लिक से बात करने के लिए। कैसी हैं आप? सबसे पहले बताइए। बहुत अच्छी हूँ और खुश हूँ क्योंकि अभी रीसेंट प्रोजेक्ट काफी अच्छे से पहुंच रहा है लोगों तक। तो एक एक्टर के लिए उनका काम लोगों तक पहुंचना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। कैसा रहा लव स्टोरीज टू में, एक तो कोंकणा के साथ काम करना कैसा रहा? क्योंकि तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है वो, और मतलब बाकी चारों में आई नो काफी लोगों ने कहा होगा कि वाली फिल्म सबसे अच्छी लग रही है, बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस और कैसे आप जुड़ी इस प्रोजेक्ट के साथ और कोंकणा के साथ काम करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोंकणा से जब जब से मतलब मैं इस फील्ड में आई भी नहीं थी, तब से मैं उनका काम देख रही हूँ। और जब मैंने मिस्टर मिसेस अय्यर देखी और मुझे लगा यार ये कौन एक्ट्रेस है और क्या कमाल की गजब की एक्ट्रेस है, एक बार बस मुझे इससे मिलना है जिंदगी में। मतलब वो मेरी तब से मेरी इच्छा रही है। लाइक आई वॉज लाइक वंस आई वॉन्ट टू मीट दिस गर्ल हु इज सो टैलेंटेड, सो ब्यूटिफुल, सो इंटेलिजेंट एंड और यूनिक है। मतलब उनका चेहरा भी यूनिक है, उनकी एक्टिंग स्टाइल भी तब मुझे एकदम से हटके लगी थी। तब जिस तरह से एक्टिंग हो रही थी उससे भी परे लगी थी, यू नो। एंड शी हैड हर ओन पर्सनालिटी। तो मुझे लगा यार मुझे इससे मिलना है, एक बार मुझे इससे मिलना है। मतलब काम तो खैर करना ही है, मुझे ये भी लगा था कि यार हम दोनों बहनें बहनें लग सकती है, तो काश कोई हमें उस तरह से कास्ट करे। सो आई वाज लाइक लुकिंग लुकिंग अप टू दैट, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। Then I had seen her film Death in a Ganj some years back, and I was like, oh my God, she's a director as well. I mean, she's such an amazing director. तो मुझे बहुत ये था कि भाई किसी तरह से मैं उनसे मिल पाऊँ, उनसे you know ideate कर पाऊँ, because I thought that जिस तरह का काम ये कर रही है, मुझे पता था कि we will be on the same level, like in the sense कि हम same page पे रहेंगे। कई बार you know एक जो हमारी cinematic language है, जो हमारा approach है चीजों को देखने का, उसमें काफी सिमिलैरिटी लगी मुझे। तो इसलिए आई वाज वेरी एक्साइटेड और हम पैरेलल काफी जा रहे थे। मतलब इन द सेंस पिछले साल एक अवार्ड सेरेमनी था जिसमें परदेश का एक अवार्ड था और उसमें कोविड की वजह से ऑनलाइन था, तो उनको बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन था, मुझे सपोर्टिंग के लिए था। तो हम ऑनलाइन एक साथ थे वहां पे और हम दोनों को मिल गया था। तो इस तरह से हम वर्चुअली काफी जुड़ रहे थे एक दूसरे से, बट वी हैड नॉट मेट। सो बिफोर मी माई हजबेंड वर्क विथ हर बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ दिस शो कॉल्ड 26x11, वो जो निखिल अडवाणी ने बनाया था। हाँ, जो तो प्राइम वहां पे कोको उनके साथ थी, एंड देन आई वॉज लाइक ओ यू आर वर्किंग विथ कोंकणा सेन शर्मा, वाओ हाउ नाइस। एंड देन आई वॉज शूटिंग फॉर बॉम्बे बेगम्स। आई रिमेम्बर दैट डे व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वॉज शूटिंग फॉर बॉम्बे बेगम्स फॉर अलंकृता श्रीवास्तव, एंड आप जानते ही होंगे कि अलंकृता ने और कोको ने काफी काम एक साथ किया हुआ है। सो वेन हमारा क्या हो रहा था कि बॉम्बे बेगम्स और 26x11 ये आमने सामने शूटिंग चल रही थी फिल्म सिटी में। तो चूंकि मेरे हस्बैंड उसमें काम कर रहे थे, मैं यहाँ पे काम करके अगर जब मेरे पास वक्त होता था मैं यहाँ जाती थी, तो तब मैं गई एंड देन आई सॉ कोंकणा गोइंग टुवर्ड हर वैनिटी एंड आई वाज लाइक वेरी, एंड देन शी इज लाइक आई एम लाइक हाय आई एम अमृता सुभाष, एंड शी इज लाइक व्हाट यू आर सो यंग, आई हैव सीन यू इन गली बॉय बट यू आर सो यंग। I'm like, yeah, I mean, I played that role, which was like, you know, bigger than my own age and older than my own. So that's how we clicked there. And suddenly she asked me for this project. It was amazing. And she told me that Tilottama's mentioned my name for the role. So, you know, she thought that why not? And I must tell you that ये जो हमारा प्यार का सिलसिला मैंने आपसे शेयर किया, मेरा प्यार बढ़ता ही गया जब मैंने उनके साथ काम किया। क्योंकि आई रियलाइज यस शी इज एन अमेजिंग एक्टर, बट वॉट अ डिरेक्टर शी इज, शी सच अ ग्रेट डिरेक्टर। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी वेन शी टोल्ड मी ऑन सेट कि यार मेरे मन में कुछ बात आती है और मैं तुम्हें कहने से पहले तुम वो कर देती हूँ, लाइक यू नो। सो एज आई टोल्ड यू, मुझे लग रहा था कि हमारा ये मन कहीं से जुड़ा हुआ है,
वो एक मैनिफेस्ट हो पाया लव स्टोरीज के हैसियत से. एंड लेट मी टेल यू, शी इज अमेजिंग एक्टर, शी इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, बट व्हाट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग. शी इज अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट आई कुड मीट हर एंड आई कुड हैव हर इन माय लाइफ. एंड हाउ बहुत सही। अब आपने जिसे कहते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सेक्रेट गेम्स जब आपने किया था तब काफी ज्यादा रिकॉग्निशन उस काम के बाद से मिला था, बट वी हैव सीन यू इन फिराक आल्सो, उसके बाद बॉम्बे बेगम्स। जी तो वो जो जर्नी थी पूरी, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिवली आने की मराठी से लेकर यहाँ तक, वो जी अभी तक कैसा जा रहा है? क्योंकि चोक धम चोक वाज वेरी नाइस और बॉम्बे बेगम्स यार अच्छा ही जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ, वेदर इट्स हिंदी और इट्स मराठी, बिकॉज लैंग्वेज डजेंट मैटर फॉर मी. मैं हमेशा चाहती हूँ कि मुझे टाइपकास्ट ना करे लोग, मतलब स्लॉट ना करे एक ही जैसे रोल्स में. तो आई थिंक इंडस्ट्री हैज बीन वेरी वेरी काइंड. मतलब काफी फिल्म मेकर्स ने अलग अलग तरह से मुझ पर विश्वास किया है. वेदर इट्स अनुराग, अनुराग का ही देखिए तो तीन अलग अलग तरह किस्म के किरदार थे जो मैंने उनके साथ निभाए. मतलब आपने चोक का जिक्र किया, चोक्ड और सेक्रेट गेम्स जिसमें मैं रॉ एजेंट थी एक दूसरे से एकदम भिन्न है. या फिर अगेन वी वर्क टुगेदर इन रमन राघव ऑल्सो, दैट ऑल्सो डिफरेंट. क्या कहते हैं, अलग अलग किरदार. मतलब अगर आप लव स्टोरीज की सीमा भी देखें तो कई बार लोग जनरलाइज कर लेते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना गली बॉय की जो माँ थी, इट वॉज नॉट ओनली मदर्स रोल. यू नो लोग एकदम जनरलाइज कर लेते हैं, यार आपने माँ का रोल क्यों किया. मैंने कहा वो माँ का रोल नहीं था, वो एक रजिया नाम की औरत का रोल था जो अपने बच्चों के सामने अपने पति से पूछने की हिम्मत करती है कि क्या तूने कभी सोचा था मुझे कैसे छूना है. सो लाइक वाइज इन लव स्टोरीज आई वुड से एकदम से जनरलाइज कर लेते, आपने अरे यार मेड का रोल क्यों कर. मैंने कहा नहीं, इट्स शी इज नॉट ओनली अ मेड, लुक एट हर, द लुक एट हर ग्राफ. सो उससे आप उन मेकर्स को भी जनरलाइज कर लेते हो. मतलब वेदर इज जोया अख्तर और वेदर इज कोंकणा सेन शर्मा, शी वुडंट क्रिएट जस्ट अ मेड्स रोल और जस्ट अ मदर्स रोल, राइट? देर आर डिफरेंट, उसके कई रंग हैं. तो मैं बहुत बॉम्बे खुशी बेगम किस्मत, मतलब ये भी जो करेक्टर है आपका काफी लेयर्स हैं उसके उसमें। बॉम्बे बिकम्स भी ना. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन उसमें डांस वांस था तो उसमें मुझे किसी ने पूछा नहीं कि आपने क्योंकि, लेकिन इन दो किरदारों का मैंने जिक्र किया क्योंकि इन दोनों के बारे में, आपने माँ का रोल किया, आपने मेड का रोल. मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट दैट, जस्ट डोंट जनरलाइज ऐसे, इस तरह से हम नहीं कर सकते. ये दोनों मेकर्स अपने आप में बहुत तगड़ी मेकर्स हैं, वेदर जोया अख्तर और कोंकणा सेन शर्मा, एंड दे वुडंट क्रिएट अ स्टीरियोटाइपिकल कैरेक्टर. तो अगर मैं उनके फिल्म में कुछ रोल कर रही हूँ इसका मतलब है कि वो यूनिक है. तो मुझे लगता है कि जर्नी अच्छा जा रहा है जैसे आपने कहा. और हालांकि हर एक्टर को लगता है कि अलग अलग किस्म के किरदार मिले, तो आई एम हैप्पी दैट आई गॉट धमाका ऑल्सो, विच वॉज अगेन अ डिफरेंट क्लास रोल. और फॉर दैट मैटर कुसुम देवी यादव, विच वॉज ऑल्सो डिफरेंट क्लास रोल. सो आई एम हैप्पी दैट पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ मी एंड दे आर नॉट स्लॉटिंग मी इन अ पर्टिकुलर स्लॉट. हमने बॉम्बे बेगम्स की बात की या गली बॉय भी है या लव स्टोरीज हैं, विमेन्स इश्यूज को लेकर काफी कुछ बन रहा है रिसेंट टाइम्स में। अलंकिता श्रीवास्तव या जोया अख्तर जो बना रही हैं, कोंकणा ने बनाया, आपको क्या लग रहा है कि कैसा इस समय पर इंडस्ट्री में माहौल है फॉर विमेन्स इश्यूज के वो लेकर? क्या चीजें काफी ज्यादा रिकोगनाइज हो रही हैं, उन सारे मुद्दों पर ज्यादा इनफ बात की जा रही है या फिर अभी लंबा सफर बाकी है? मुझे लगता है चीजें काफी बदल रही हैं. मुझे ये लगता है क्योंकि आप ही ने जो नाम लिए, जैसे जोया अख्तर है, कोंकणा सेन शर्मा है, अंजलि मेनन के साथ मैंने काम किया. मैंने रुचिका अबुराय नाम के एक डायरेक्टर, जिन्होंने अभी दहाड़ बनाई विद रीमा कार्तिक के साथ, उन्होंने एक दहाड़, शी वाज द अदर डायरेक्टर. सो लाइक मेनी वुमेन आर डायरेक्टर्स आर कमिंग अप. इसलिए मुझे लगता है कि काफी, मतलब उस हिसाब से मुझे, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन दीज टाइम्स कि विमेन आर कमिंग अप एंड दे आर टेलिंग देयर ओन, लाइक नॉट देयर ओन स्टोरीज बट देन देयर पर्सपेक्टिव. हाँ जी मैं कह रहा हूँ विमेन टेलिंग विमेन स्टोरीज। एग्जैक्टली. तो मुझे वही लगता है. मैं मेरा एक बहुत अच्छा, इट्स माय फेवरेट कोट व्हिच आई, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे वो काफी अच्छा लगता है कि यू नो कंटेंट हैज बीन किंग बट नाउ कंटेंट इज बिकमिंग क्वीन टू इज माय थिंग. एंड देन दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल दीज क्वींस लाइक कोंकोना, लाइक जोया, लाइक, बिकॉज आई थिंक यू नो वट
एक्ट्रेसेस तो काफी अच्छी रही है, लेकिन अब डायरेक्टर्स काफी अच्छी, मतलब वुमेन डायरेक्टर्स आ रही है, विच इज वेरी एक्साइटिंग. हैविंग सेड दैट, आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट मेल डायरेक्टर्स, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू बायफोगेट थिंग्स लाइक वुमेन मेल मैन वुमेन, बिकॉज आई थिंक देयर इज ओनली अ गुड डायरेक्टर एंड अ बैड डायरेक्टर, यू नो. सो मेरे लिए आई एम हैप्पी कि राम माधवानी है या फिर अनुराग कश्यप है, जिन्होंने मेरे साथ काफी, यू नो, दे टुक चैलेंज कि नहीं हम उनको दे देंगे अलग किस्म का, इन द सेंस लाइक अब क्लास रोल भी दे देंगे तो ये कर पाएंगे, ये विश्वास इन मेल डायरेक्टर्स ने मुझ पर दिखाया है. सो लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एज वेल. ओटीटी की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओटीटी में अब वो जो स्टारडम वाला सीन है, अब कोई स्टार नहीं बन रहा है और अब सिर्फ मतलब एक्टर्स ही हैं, और स्टार्स बनने का सीन जो है थोड़ा सा चला गया है। क्या ओटीटी की वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, आई थिंक यस, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ओटीटी, बिकॉज मैंने ये बात पहले भी कही थी. मैंने कुछ साल पहले दीप्ति नवल जी का इंटरव्यू लिया था, बिकॉज उनकी एक किताब आ रही थी विच शी हैड रिटन, एंड आई वांटेड टू इंटरव्यू हर फॉर दैट, यू नो, शी बिकॉज सम पीपल वांटेड एन एक्टर टू इंटरव्यू हर, सो लाइक आई हैड गॉन देयर. सो शी सेड दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम शी स्टॉप्ड एक्टिंग, बिकॉज उनको लगने लगा कि वही वही किस्म के रोल्स आने लगे, एंड देन शी स्टार्टेड पेंटिंग, शी जस्ट लेफ्ट एक्टिंग, शी स्टार्टेड पेंटिंग. सो विच वॉज अ गुड ग्रेट थिंग, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक्टिंग ही सबसे बड़ी चीज है, बट मुझे ये लगा कि यार मुझे अगर एक एज के बाद एक्टिंग करनी होगी तो मैं तो स्लॉटेड नहीं बनूंगी, मैं तो वो वही काम एक एक के बाद एक नहीं कर सकती. सो हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव, यू नो, ये मैं सोचती रहती थी. एंड आई डिडंट नो एट दैट टाइम दैट ओटीटी वुड हैपन टू इंडिया, बिकॉज आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू, यू नो, एक्सपीरियंस डिफरेंट जो जो चीजें घटती गई. जैसे मैं फिल्म, जब फिल्म पे शूट होता था ना, फिल्म पे लाइक द फॉर्मेट फिल्म पे, तब से मैं काम कर रही हूँ. जब रीटेक नहीं ले पाते थे क्योंकि एक फिल्म का मतलब पैसा बहुत लगता था, तो फर्स्ट शॉट हैज टू बी ओके. नाउ आई एम शूटिंग एट डिजिटल, तो काफी रीटेक्स होते रहते, लाइक दे आर ओके. सो आई एम फॉर्चुनेट कि ये अलग अलग दौर मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल गए. सो लाइक राइट फ्रॉम दैट बिगिनिंग टू नाउ दिस, दैट ओटीटी हैड नॉट हैपन एट दैट टाइम, बट देन इट डिड हैपन. एंड मुझे हमेशा, मैं बोलती हूँ कि मेरा और यूनिवर्स का एक रिलेशनशिप है, मेरा उनके साथ चक्कर चलता है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि लाइक आई कीप आस्किंग थिंग्स एंड दे आर लाइक गिवन टू मी. एंड लाइकवाइज मुझे लगता है कि ये ओटीटी जो हुआ है, तभी नेटफ्लिक्स आ रहे थे इंडिया में, एंड देन द फर्स्ट देयर फर्स्ट सीरीज कॉल्ड सिलेक्शन डे आई गॉट, एंड देन चीजें बनती ही गई, लाइक यू नो, सिलेक्शन डे आया, उसके बाद चोक्ड आया, पहले मेरे मराठी फिल्म किला भी नेटफ्लिक्स पे आई, एंड यू नो, सो एक के बाद एक मेरे प्रोजेक्ट्स नेटफ्लिक्स पे आते गए, एंड देन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर वॉचिंग यू. दैट वॉज अ वेरी सडनली समथिंग हैपेंड, एंड देन इट वॉज वेरी नाइस थिंग टू. और अभी मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए ये हो गया है, कितने सारे एक्टर्स परदेश के भी हम देखते हैं ओटीटी की वजह से. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दिस ओटीटी मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड. जी, तो हम शुरू की बात कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट जब आपने स्टार्ट किया था, आपने थिएटर भी किया है और उसके बाद जी आपने पहले मराठी फिल्में की थी, मराठी सीरीज भी आपने की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से शुरू, कहाँ से हुआ? मैं थिएटर से आती हूँ, एक्सपेरिमेंटल थिएटर से आती हूँ. उसके पहले बचपन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ भी एक एक एक्टर एक्ट्रेस है, जिनको आपने देखा होगा, शी इज प्लेड माई मदर इन लॉ इन गली बॉय, हाँ सो दैट्स माई एक्चुअल मदर. शी हैज बीन माई शी हैज बीन शी वॉज इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, माई मदर, शी वॉज नसीरुद्दीन शाह एंड ओम पुरीज बैचमेट इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. सो यू नो, व्हेन आई वाज स्मॉल, वो मुझे बताती रहती थी एनएसडी के सारे किस्से, वहां पे अलकाजी उनके गुरु थे और कैसे वो उनको पढ़ाते थे, क्या होता था, लाइक सो मेरा मेरा बचपन इन्हीं स्टोरीज में गुजरा है. उसके बाद यू नो सत्यदेव दुबे जी वॉज माई फर्स्ट गुरु ओके एक्टिंग के, जो मेरे गुरु हैं सत्यदेव दुबे जी हैं, जिन्होंने अफकोर्स नसीर सर और उन सबके भी वो गुरु हैं. सो दुबे जी का वर्कशॉप मैंने किया, उसके साथ मैं, उसके पहले मैं गाना सीख रही थी, बिकॉज आई सिंग ऑल्सो, मैं डांस सीख रही थी. सो मैंने एक्टिंग इसलिए चूज की कि एक्टिंग वो एक चीज थी. मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि आप अच्छा गाती है, अच्छा डांस करती है, तो आपने एक्टिंग क्यों चूज किया. सो आई सेड क्योंकि इंटरनली जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं खुद को भूल पाती हूँ, तो डांस में अच्छा कर, तो इट्स नॉट अबाउट वॉट आई कैन डू वेल, इट्स अबाउट वॉट आई लव डूइंग द मोस्ट, विच वॉज एक्टिंग एट दैट टाइम. इसलिए मैंने एक्टिंग चूज की. सो उनको जवाब काफी अच्छा लगा था.
और उसके बाद जब मैं स्कूल गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तब नसीरुद्दीन शाह वाज ऑन विजिटिंग फैकल्टी, बिकॉज उनकी जो बेटी है हिबा, शी वाज माय बैचमेट. नसीरुद्दीन शाह काफी बार आए मुझे सिखाने के लिए, बिकॉज हिबा वाज माय बैचमेट, जो उनकी बेटी थी. और इट वाज अ वंडरफुल कोइंसिडेंस कि हिबा और मैं बैचमेट्स थे, और नसीर सर और मेरी मदर बैचमेट्स थे. सो सब लोग कह रहे थे कि भाई अगली पीढ़ी आ गई है. सो इट वाज गुड फन देयर. एंड आफ्टर दैट आई केम बैक, एंड यू नो बिफोर गोइंग देयर मुझे किसी से प्यार हो गया था, इश्क हो गया था, जिनका नाम है संदेश कुलकर्णी, जो अभी मेरे पति है. तो वो भी थिएटर करते थे. तो जब मैं वापस आई, इसलिए मुझे एनएसडी जाना भी नहीं था सच कहूँ तो, लेकिन दुबे जी ने मुझे कहा कि आप गई नहीं तो मैं आपको स्लैप कर दूंगा, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा. सो आई वेंट, एंड व्हेन आई केम बैक, संदेश हैड दिस एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप कॉल्ड समन्वय. सो उससे हमने नाटक करना शुरू किया, और मेरे सारे आगे की रोल्स, जो आपने पहली फिल्म का जिक्र किया श्वास, विच वॉज इंडियाज ऑस्कर एंट्री एट दैट टाइम, आई गॉट दैट बिकॉज ऑफ माई थिएटर, मेरे नाटक जो आते रहे. सो थिएटर हैज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई करियर, इट स्टिल इज. मतलब नसीर सर मुझे बार बार पूछते हैं, जैसे मैं उनको बताती हूँ सर आपने गली बॉय देखी, मुझे फिल्म फेयर मिले, वो कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, नाटक क्या कर रहे हो बता मुझे. तो मैं बोलती हूँ सर बॉम्बे बेगम्स देखा, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है. हाँ वो सब ठीक है, नाटक कौन सा चल रहा है तुम्हारा? सो अभी भी मेरा एक नाटक चल रहा है जिसका नाम है फिर से हनीमून. अच्छा तो भले मेरा बाकी जो भी चले ना चले, मेरा मैं आई आई प्रे टू, मतलब मैं यूनिवर्स से बोलती रहती हूँ कि अच्छा नाटक मुझे हमेशा करने का मौका मिलना चाहिए. और मेरा एक बहुत अहम चीज ये है कि जब तक मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैं वो नहीं कर सकती. मतलब मैंने कई ऐसी फिल्में हैं जो मुझे शायद मेरे बैंक बैलेंस से दुगना बैंक, मतलब पैसा दे सकती थी, लेकिन आई हैव सेड नो टू देम, बिकॉज फॉर मी कॉन्टेंट ऑलवेज हैज, यू नो, मेरा लवर है, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कॉन्टेंट से. तो इसके लिए वो नहीं अगर होता है तो मैं नहीं करती हूँ काम, इसलिए तब मैं घर बैठ जाती हूँ. आई एम वेरी गुड सिटिंग एट होम, बट आई आई कांट, यू नो, जो मुझे पसंद ना आई चीज. तो इसके लिए फिर नाटक करती रही, और नाटक से फिर वो पहली फिल्म मिली श्वास, जिसका आपने जिक्र किया. और फिर तब मराठी में भी काफी एक अच्छी मूवमेंट हो रही थी, जैसे उमेश कुलकर्णी थी या फिर अविनाश अरुण, सारे लोग अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, और जो, या फिर नागराज मंजू रहे थे, जो अपने तरह से अपनी बात कहना चाहते थे. वो ऐसे नहीं थे कि भाई क्या चलेगा उस हिसाब से मैं अपनी फिल्म बनाता बनाता हूँ, यू नो, दे वर नॉट लाइक दैट. दे वर सेइंग देयर ओन स्टोरी इन देयर ओन वे, जैसे मैंने अभी कोको या जोया के बारे में कहा है, या फिर यू नो वैसी ही बात अनुराग, यू नो. सो ऐसे काफी लोग आ रहे थे, तो इसके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत थी वहां पे भी. यू नो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स मूवमेंट्स लाइक दैट. तो ये मराठी में जो मूवमेंट आई, जब जब नवाज मुझे, तब मैंने नवाज के साथ रमन राघव की, तो नवाज मुझे कह रहा था यार तेरे मराठी में बड़ा अच्छा काम हो रहा है अभी, काश मैं मराठी, मतलब मुझे करना है उसमें. तो इट वॉज गुड दैट आई कुड पार्ट ऑफ, आई कुड बी पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट. यू नो आई स्टार्टेड विथ द डायरेक्टर्स जिनका नाम है सुमित्रा भावे और सुनील सुकथनकर, जिन्होंने लाइक दे गॉट मी माई फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर देयर फिल्म कॉल्ड अस्तु. दे क्रिएटेड डिफरेंट रोल्स फॉर मी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच क्रिएटर्स अराउंड यू व्हेन यू आर डूइंग योर करियर, राइट? सो ये सब बातें होती गई, एंड देन ओटीटी हैपेंड एज यू. तो मराठी से फिर हिंदी में जाना अच्छा रहा, और रीजन रहा हिंदी में आने का अनुराग कश्यप ही. तो उसकी फिल्म, मतलब जोया ने जो मुझे कास्ट किया, वो भी अनुराग की फिल्म की वजह से. शी सॉ मी इन रमन राघव, शी वाज लाइक हु इज दिस गर्ल, एंड देन शी सॉ मी इन रुचिका ओबेरॉय फिल्म, एंड देन शी कास्टेड मी. सो आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि काम से काम बढ़ता गया, और देन हियर आई एम. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो राजनीतिक माहौल रहता है देश का, उसका कितना असर पड़ता है इंडस्ट्री पे या चीजें, क्योंकि हमने देखा कश्मीर फाइल्स या आदि पुरुष जैसी फिल्में बनती हैं, केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनती हैं, तो क्या जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है इस देश में, उसका इंडस्ट्री पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? लोग बच रहे हैं थोड़ा या किस तरह का काम करना पसंद कर रहे हैं? ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया है या कभी आप देखती हैं, कभी ऑब्जर्व करती हैं? मैंने ऐसा नहीं फेस किया है फॉर्चुनेटली. मेरे लिए ये रहेगा कि मैं सिर्फ एक चीज देखूंगी कि किरदार और कंटेंट क्या है. मतलब वो कंटेंट ना सिर्फ मेरे किरदार के लिए, पर सोसाइटी के लिए भी क्या कर रहा है. मतलब आई डोंट, मतलब मैं उसका मतलब ये नहीं कि मैं विलन का रोल नहीं करूंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल धमाका का जो किरदार था, शी वॉज वेरी करियर सिक श्रूड वुमन, शी वॉज वेरी श्रूड, लाइक यू नो, बट
आई डिड इट बिकॉज आई थॉट ओ आई हैव नेवर डन दिस समथिंग लाइक दिस एंड द पॉइंट दैट फिल्म इज मेकिंग इज नॉट लाइक इट्स समथिंग बियॉन्ड दिस वुमन लाइक यू नो सो दैट पॉइंट वॉज वेरी ह्यूमेन फॉर दैट मैटर सो फॉर मी दैट वुड बी द थिंग और मुझे नसीर सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि किरदार बड़ा हो छोटा हो जो भी हो जो किरदार का जिस किरदार का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे दिखता है वो किरदार आप करो अदरवाइज वो मत अदरवाइज आप मत करो किरदार क्योंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है और अगर वो प्रोटैगनिस्ट है उससे कोई फायदा नहीं होता है बिकॉज एक लाइन में जा रहा है वो किरदार देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट सो फॉर मी वेदर इट इज व्हाटएवर इट इज लाइक यू नो इट विल डिपेंड अपॉन वेदर आई विल डू इट और आई विल नॉट डू इट इट विल डिपेंड अपॉन यू नो what that content is doing to the society and what that kirdar that character is doing to the content of the story overall story so that has been always my thing and it will always remain like that and baki to waisa kuch experience maine nahi kiya hai ji ha mujhe puchna tha saas bahu achar ke bare mein specifically wo matlab kaise shuru hua tha aur wo kis tarah se kyunki bahut hi different cheez hai wo हाँ जी जो सास बहू अचार है वो काफी ऐसे डिफरेंट सीरीज है बहुत अच्छा बनाया है और एकदम से आई और चढ़ गई किसी को पता नहीं चला और फिर सबने देखा या इट इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप इन माय करियर सास बहू अचार क्योंकि दूसरी एक बात जैसे मैं टीवीएफ का भी कंटेंट में देखती रहती थी और मुझे लगता था यार ये लोग कुछ हटके बनाते हैं जो लोग हटके मैं खुद को मतलब वो जो कुछ हटके करता है ना मुझे पसंद आता है मतलब तो ये लोग बहुत हटके कुछ कंटेंट और नॉट ओनली हटके अच्छा कंटेंट पता चला हटके और कुछ अजीब सा ऐसा नहीं एक अच्छा कंटेंट अच्छे और ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे सोच रहे थे ये लोग जब मैंने गुल्लक भी देखा था उनका और एस्पिरेंट्स देखा था मैं कहा यार कुछ अरुणव कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है बंदा ऐसा लग रहा था तो जब ये शो मेरे पास आया तो पहली बार एक तो प्रोटोगोनिस्ट का किरदार मुझे पूछा गया विच आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट क्योंकि अब तक तो हालांकि सर ने मुझे बोला है नसीर सर ने कि लेंथ नहीं देखना और मैं ना ही देखूंगी फिर भी अच्छा लगता है कि सपोर्टिंग के स्लॉट से निकाल के अगर आपको आपको अगर प्रोटोगोनिस्ट के स्लॉट में कोई ट्रस्ट करते हैं तो अच्छा लगता है लेट मी टेल यू इट वॉज नॉट ईजी फॉर द क्रिएटर्स टू पुट मी इन इन दैट स्लॉट क्योंकि काफी फिर लोग बोलते अरे आप चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं क्या होगा obviously because it is a, at the end of it it's market and it's a business so I'm very grateful to Nimisha Pandey jo Z5 ke head hai I'm grateful to Arunab Kumar jo TVF ke head hai aur I'm grateful to Apurva Singh kar ki in teen logon ko laga ki nahi bhai ye is show ko le jaye matlab kar sakti hai to inhone they are the reason that I was given this show and मेरे लिए उससे एक और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि सिर्फ नहीं तो मराठी के किरदार आ रहे थे दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर विच इज यूपी का कैरेक्टर था वो दिल्ली 6 की एक मतलब दिल्ली पुरानी दिल्ली की एक औरत तो उसका एक्सेंट पूरा उसका लहजा अलग तो उसके लिए मुझे काफी तैयारी करनी पड़ी मुझे क्लासेस थे मेरे मतलब मेरे कोच थे जो मुझे सिखा रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हर रोल में ना मेरा कुछ तो चैलेंज रहता है सामने कुछ चैलेंजिंग रहता है जैसे आपने जिक्र किया सास बहू अचार का चैलेंज ये था कि वो एक्सेंट कैसे होगा मतलब वो यूपी की कैसे सारे लोग जो मेरे इर्द गिर्द कास्ट थे मतलब अनुप सोनी हो जो भी हो सब हिंदी भाषी लोग थे एग्जैक्टली तो इसलिए मुझे डर था कि मैं तो एकदम से बोल देंगे अरे नहीं ये इनके इनमें से एक नहीं लग रही है लेकिन उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी लेकिन बहुत मजा आया और दूसरी एक अच्छी बात थी इस कंटेंट की भले वो औरत अकेली है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है आई थिंक व्हाई मेनी विमेन लाइक्ड हर बिकॉज वो सेल्फ सिंपैथेटिक बिल्कुल ही नहीं थी और वो नेगेटिव भी नहीं थी वो औरत टॉक्सिक नहीं थी मतलब वो ये नहीं है कि हर बार वो पति के बारे में बोल रही कि इसने मुझे क्यों ऐसा किया यू नो या फिर उस बोल रही कि नहीं उसका मतलब उसको जाके कुछ झगड़ा ऐसी वाली नहीं थी वो खुद का और इलिटरेट है एम्बिशियस भी नहीं है उस तरह से लेकिन फिर भी वो खुद का कुछ बिजनेस खड़ा कर लेती है इट्स अ वेरी वंडरफुल स्पेस टू बी इन
और लास्ट में वो जिस तरह से सबके बियॉन्ड चली जाती है, मतलब मैंने इस किरदार के बारे में काफी मैं इंटरव्यूज में कहा है कि मुझे ना बाकी मेरे किरदारों ने या फिर मैं जैसे हूं ना, मुझे ये पता है कि अचीव कैसे करना है, आई नो दैट यू नो कि उसके एम्बिशियस होना कैसे होना है, अचीव कैसे करना है चीजों को। ये जो किरदार था सुमन का, उसने मुझे सिखाया कि लेट गो कैसे करना है, छोड़ कैसे देना है चीजों को। और ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बोलना बहुत आसान है, क्योंकि अचीव करने के लिए हम बहुत मिल जाता है ना, पर छोड़ देने के लिए भाई बहुत, उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल आना पड़ेगा, तभी आप छोड़ पाओगे। लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, मतलब हम बोलते बहुत है फॉरगिवनेस एंड ऑल, बट लेटिंग गो इज नॉट इजी। एंड सुमन माय किरदार जो है, उसने मुझे ये सिखाने की कोशिश की, अब देखते कैसे होगा। चलिए अब लास्ट में बता दीजिए कि क्या आपका काम आने वाला है आने वाले दिनों में, अरे और अभी मैंने, अभी वो वाली चीज है कि मैंने काफी ना बोला है काफी चीजों को, तो इसलिए अभी अभी तो फिलहाल कुछ काम नहीं आने वाला है मेरा। मेरा नाटक चल रहा है जो मेरा पृथ्वी में शो है 29th और 30th को, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि हिंदी में शो है तो अभी हिंदी की रिहर्सल्स चल रही है, वो मैं मराठी में भी करती हूँ हिंदी में भी करती हूँ, तो वो चल रहा है। और काफी स्क्रिप्ट आ रही है विशेष कि मुझे वो अच्छी लग जाए ताकि मैं वो कर पाऊँ। जी ये है जी न्यूज क्लिक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमृता। अब बस जल्दी थैंक से यू, कैमरे में बीच में देख के बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लो हमको। बिल्कुल। सो यहाँ पे देखूँ, हाँ जी यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ अमृता सुभाष, आप न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, और उनका एक नया शो आ रहा है एनसी हैंगआउट, तो आप ज्यादा से ज्यादा वो शो देखिए, मैं भी देखने वाली हूँ, मुझे पता है कि बहुत अच्छा होने वाला है।